साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बजट बाजार में आपका स्वागत है। सियासत हरदम है लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था बेदम है, और ऐसे वक्त पर इकोनॉमिक सर्वे में क्या लेकर आई है सरकार, ये हम आपको अगले डेढ़ घंटे तक बताएंगे। नेहा, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। खास मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जयंत सिन्हा जुड़ चुके हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ सुनील अलख साहब हैं, चेयरमैन एसके ए एडवाइजर्स, ब्रांड एक्सपर्ट भी इन्हें कहा जाता है। संजीव आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवाइजर हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। अतुल अंजान जी, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही बेजोन मिश्रा, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट। सभी खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे आर्थिक सर्वे पर, और कल भी ये हमारे साथ जुड़ेंगे जब बजट पेश किया जाएगा। प्री बजट भी हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बजट बाजार दरअसल हमने किस तरह से सजाया है, क्यों इसे बनाया है, और क्या चीजें दिमाग में रखी थी जब ये बजट बाजार डिजाइन किया जा रहा था। आज तक की तरह से हम एक एक करके हर एक स्टॉल तक आपको ले जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया तो अपने अभिभाषण में किस तरह से राष्ट्रपति ने तमाम वो चीजें गिनाई जो उपलब्धि है इस सरकार की। कहा कि किस तरह से आने वाले वक्त में 6% की GDP का स्तर भी हासिल किया जाता है, और $5 trillion इकोनॉमी का सपना कैसे साकार होगा। इस तरह की तमाम बातें आज के अभिभाषण में शामिल थी। बजट बाजार, सोचिए खुले आसमान के नीचे इस ठंड में हम सब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि किसी तरह से गर्मी फूकनी है देश की अर्थव्यवस्था में। आप समझ रहे होंगे कि सियासी पारा यहाँ पर कितना होने वाला है, क्योंकि अतुल अंजान जी यहाँ पर मौजूद हैं और सामने जयंत सिन्हा साहब हैं जो कि इकोनॉमिक्स को दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए नेहा, पहले शुरुआत करते हैं और अपने बजट बाजार का भ्रमण जरा अपने दर्शकों को करा देते हैं, क्योंकि हमने हर वो जो पैमाना होता है अर्थव्यवस्था में, लोगों की उम्मीदें होती है, उन सबको दिखाने की कोशिश की है। ये वो छत का सपना, वो घर का सपना जो हर मिडिल क्लास व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, एक तरह से नेहा वो अपने दिल में संजो कर रखता है कि कैसे ये छत मुझे। और बिल्कुल अंजना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2022 तक मिशन है सरकार का कि हाउसिंग फॉर ऑल, लेकिन ये मिशन कैसे हासिल होगा ये कह पाना अभी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। और किस लक्ष्य तक अभी तक हाउसिंग फॉर ऑल पहुंच पाया ये किसी से भी छुपा नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि हमारे पास यहाँ पर बैंक है, क्योंकि हम आपको आंकड़े दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बैंक में इस बार डेबिट और क्रेडिट, यानी कि कितना बैंक में जमा किया गया, लेमैन्स भाषा में यानी कि आम आदमी की भाषा में हम आपको बताएंगे कितना जमा हुआ, कितना निकाला गया, कितनी निकासी हुई, क्योंकि ये सब वो आंकड़े हैं, वो चीजें हैं जो आपको इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को समझने में बेहतर तरीके से साबित होती हैं और पैमाना साबित होता है। सईद जी, सब ठीक ठाक ऊपर? अंजना जी, शम्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी में आप मौजूद है, सब ठीक ठाक है ऊपर? सब ठीक है। आगे आगे आप जाएंगी तो आपको वस्त्रालय मिलेगा, शॉल एम्पोरियम मिलेगा, सुपर स्टोर मिलेगा, किसान केंद्र है, टॉय शॉप है। मतलब ये हुआ कि दो तरह के हमारे देश में लोग हैं, एक वो जो नौकरी पेशा हैं, दूसरे वो जो कारोबारी हैं। तो सरकारी नौकरी पेशा जो है उन्हें क्या टैक्स में छूट मिलेगी, और जो कारोबारी हैं वो हमारे सारे आज तक के सुपर बाजार में कहीं भी आते हैं तो सामान खरीद सकें, उनकी जेब में इतना पैसा हो और आसानी से कोई तकलीफ ना हो, हम बस यही चाहते हैं। और देश का हर आम आदमी जो है वो बजट में वित्त मंत्री से, सरकार से यही चाहता है। दरअसल हाँ अंजना, बजट बाजार बनाने का एक मकसद और भी होता है। दरअसल इस वक्त जो सुस्त रफ्तार है इकोनॉमी की उसे समझ लीजिए, क्योंकि ये सुस्त रफ्तार कैसे है, इस वक्त बाजार में जो मौजूदा आप जिसे कहते हैं कि खर्च आदमी करता है वो खर्च दरअसल घटता जा रहा है। कैसे आम आदमी के हाथ में जो खर्च करने की कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाए, ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। पैसा आए, कैसे महंगाई पर कंट्रोल करें, कैसे नौकरियां लाएं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो सियासी प्लेटफॉर्म पर भी उठते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के वक्त जब बजट का ऐलान होता है तब सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। हेल्थ केयर के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं इस देश में हमेशा सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड रही हैं, और यह आरोप इस सरकार पर लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या फिर शिक्षा को लेकर आपका जो आवंटन है उसमें कमी, इन सब पर चर्चा करेंगे। आयुष्मान योजना को याद करना चाहिए, आयुष्मान भारत कैसे उसको जोड़ा जाए, कैसे उस पर, दिल्ली में उस पर भी सियासत कर रहे हैं जयंत सिन्हा की पार्टी, वो कह रही है कि क्यों दिल्ली में लागू नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी बातचीत करेंगे। अब हम सुपर स्टोर के आगे हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल, सुपर स्टोर इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हर कोई पहुंचता है और अपने रोजमर्रा के सामान को खरीदता है। लेकिन कौन सी वो चीजें हैं, थालीनॉमिक्स का जिक्र किया गया, उसके भी ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से थालीनॉमिक्स का आज जो जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में किया गया उसका मकसद क्या था, क्या आपकी वेज थाली, आपकी नॉन वेज थाली पहले के मुकाबले सस्ती हुई है या फिर महंगी। शशि, ऊपर वाले माले पर सब ठीक ठाक इधर? बिल्कुल ठीक है अंजना। वस्त्रालय, इम्पोरियम, फूड कॉर्नर, फूड कोर्ट, बहुत सारी चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बींग अ गर्ल, बहुत ज्यादा उम्मीदें कल वैसे भी रहेंगी कि क्या खास लड़कियों के लिए इस बार होने जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि रोजगार पर ध्यान दिया जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर ध्यान दिया जाए। तो कुल मिलाकर हमने जो यहां पर कोशिश की है दिखाने की कि हर तबके की बात हो, हर सेक्टर की बात हो और लोगों तक हम आसान शब्दों में, आसान भाषा में पहुंचा पाए कि आखिर कर क्या रही है सरकार, उन तक उन योजनाओं का फायदा पहुंच भी पा रहा है या नहीं, और इस बार की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है। और किसान केंद्र, किसानों को लेकर भी जो परिस्थिति इस वक्त देश में है उस पर भी कई गंभीर सवाल है, उनके लिए खास सरकार क्या करती है, इन सब का जिक्र बजट में किस तरह से होता है, क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। किसान लोन वेवर, क्या उसे लाया जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि जो सीड पर, खाद पर, ये तमाम चीजें जो किसान इस्तेमाल करते हैं उन पर सब्सिडी दी जा सकती है, इस तरह के ऐलान भी किए जा सकते हैं। और आगे बेहद दिलचस्प स्टॉल, सबकी इसमें काफी दिलचस्पी है क्योंकि काफी ठंड है, गरम चाय की प्याली, इसका भी इंतजाम हमने अपने गेस्ट के लिए किया है। यहाँ पर गरम गरम जलेबियां भी, और क्या क्या बना रहे हैं भैया, यहाँ पर समोसे भी बना रहे हैं और पकौड़े भी और जलेबियां भी तली जा रही है। लेकिन निर्मला सीतारमन जी, जो कि वित्त मंत्री हमेशा करते हैं, हलवा के साथ शुरुआत होती है, तो अब तो हलवा भी, हलवे का भी मजहब हो गया है और पोहे का भी मजहब हो गया है। आइए नेहा, खाने की चीजों का भी मजहब, जलेबी की तरह बजट को भी ना घुमा दिया जाए कि जो है काफी लोगों की समझ ही भी ना है कि आखिरकार फायदा हुआ भी है या नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम शुरुआत करें चर्चा की, आइए आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने आज बजट को लेकर क्या कहा है, क्या उनकी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण में कौन से वो हिस्से थे जिससे एक उम्मीद बनती है कि शायद इस सुस्त अर्थव्यवस्था में थोड़ी रफ्तार आए। वैश्विक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में भारत किस प्रकार से इन परिस्थितियों का फायदा उठा सकता है, अपनी आर्थिक गतिविधि को और मजबूत बनाते हुए वैश्विक परिवेश का अधिकतम लाभ भारत को मिले, हमारी सरकार की पहचान दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, महिलाएं हो, इनको एम्पावर करने की रही है। इस दशक में भी हमारा उन्हीं दिशा में बल रहेगा। मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर में आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $450 बिलियन से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है। तो चलिए, अर्थव्यवस्था पर आपने दोनों की ही बात सुन ली, प्रारूप इसे माना जाता है, सबकी उम्मीदें हैं कल बजट में क्या होगा। बिल्कुल अंजना, और प्रधानमंत्री की अपील थी जो कि हमने इस हिस्से में नहीं सुनाई कि फोकस अर्थव्यवस्था पर रखें, किसी और मुद्दे पर नहीं। और ये भी प्रधानमंत्री का कहना था क्योंकि बाहर सीए को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, विपक्षी पार्टियां सारी एकजुट हो गई थी, ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आप अर्थव्यवस्था पर चर्चा को फोकस में रखें। बहरहाल अब आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से सब्जियों पर छाई है महंगाई, हर तरफ इस वक्त महंगाई की ही चर्चा की जा रही है। और आपको हम बता दें कि कैसे इस वक्त महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर पड़ रही है, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दर्शाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज थालीनॉमिक्स का भी जिक्र किया गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दूध, सबसे ज्यादा इस वक्त दूध के प्राइसेस पर फर्क पड़ा है। पहले 48 रुपए प्रति लीटर था, अब 54 रुपए
प्रति लीटर पहुंच गया है दूध के दाम। इस तरह के खास इंतजाम हमने इस पूरे बजट बाजार में किए हैं, एक एक करके हम आपको वो चीजें दिखाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं और वो किस तरह से बीते एक साल में महंगी हो गई हैं, किस तरह से उनके कीमतों पर फर्क पड़ा है। एक तरह से एक अपवर्ड ट्रेंड, एक अपवर्ड ग्राफ लगभग हर तरह की रोजमर्रा की चीज में देखा जा रहा है। तो इस तरह के तमाम ग्राफिक्स का हमने इंतजाम किया है यहाँ पर इस बजट बाजार में, जो आपको बताएंगी और दर्शाएंगी कैसे आपकी और हमारी जेब पर इस वक्त सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि ये सभी आइटम जो हम आपको दिखाएंगे जरूरी नहीं कि इसका बजट से लेना हो, लेकिन अब आर्थिक सर्वे की बात कर लेते हैं। सोना किस तरह से महंगा हुआ है, जनवरी 2020 की फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। 4,824 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत, 28,024 कैरेट 10 ग्राम की कीमत 2014 में, यानी कि 6 साल में किस तरह से सोने के दाम लगभग 12,000 रुपए बढ़ चुके हैं। अब आर्थिक सर्वे की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वे में आज कौन सी प्रमुख बातें कही गई राष्ट्रपति की ओर से, और साथ ही उसके बाद अभिभाषण के बाद जो प्रमुख बातें जिन पर सबका फोकस था, सबकी नजर थी, विकास दर का अनुमान बढ़कर 6 से 6.5% है। याद रखिए प्रोजेक्टेड फिगर्स है 2020-2021 के लिए, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, क्योंकि अभी हम 2020 के पहले ही महीने के अंतिम पड़ाव पर है। आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी है, यानी कि अभी एक ही महीना गुजरा है 2020 का। इस तरह से तमाम वो आंकड़े आर्थिक सर्वे की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। दिसंबर 2019 में 2.6% महंगाई दर थी, जो अब अप्रैल 2019 यानी कि बीते साल अप्रैल में 3.2% पर पहुंच गए। रोजगार की बात कर लेते हैं, 2025 तक 4 करोड़ रोजगार ये सरकार देगी, ऐसा दावा किया गया है आज के आर्थिक सर्वे में। एस्टिमेटेड फिगर एक बार फिर से आपको बता दें, 2030 में ये बढ़कर 2 गुना हो जाएगी, 8 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, ये आज के सर्वे में कहा गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये देखिए 5% अप्रैल 2018 में और 2019 में 6%, यानी कि 1% से बढ़ा दिया गया है। ये जो फिगर्स हैं, ये प्रोजेक्टेड फिगर्स 2019 की एक्चुअल फिगर्स और 2018 की एक्चुअल फिगर्स हम आपको दिखा रहे हैं। बैंकों की हालत, उस पर भी आज आंकड़े सामने आए। सरकारी बैंक 1 रुपए के निवेश पर 23 पैसे घाटा झेल रहे हैं, वहीं गैर सरकारी बैंक्स के भी फिगर्स इस इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरह से सरकारी बैंक और गैर सरकारी बैंक को एक तरीके से 23 पैसे का घाटा सरकारी बैंकों और 9 पैसे का मुनाफा हो रहा है गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट बैंक्स को। चलिए जयंत सिन्हा जी, पहला सवाल, और सवाल की शुरुआत आपको याद दिलाते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जो आपने दिया है, इसी शब्द को, इसी आंकड़े को पकड़ लिया है विपक्ष ने। सर आपकी तो इतनी भी, मतलब आप जब दिखा रहे थे प्रोजेक्टेड जीडीपी, उसमें भी आप 8% का अनुमान नहीं लगा पाए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2025 तक हो जाए। तो इस तरह के बुरे वक्त से अर्थव्यवस्था इस वक्त गुजर रही। नमस्कार रंजना जी, और आप सबको आज तक में बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं हर बार बजट में आता हूँ और हर बार आपके जो सेट होते हैं वो बड़े रोचक होते हैं। इस बार भी आप लोगों ने जो बजट बाजार का सेट बनाया बहुत ही रोचक है, और जिस प्रकार से आपके सेट रोचक हैं उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी एक रोचक करवट लेने वाली है। काफ़ी बातें चलती हैं कि भाई रफ्तार और कैसे बढ़ेगी, और आपने देखा कि जो आर्थिक सर्वे आया है उसमें कहा गया है, और सिर्फ आर्थिक सर्वे में नहीं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह सब लोगों ने जो प्रोजेक्शन दिए हैं अगले साल के, उन्होंने कहा है कि जो 5% की जो गति से हम लोगों की GDP बढ़ रही है वो अगले साल 6-6.5% बढ़ेगी, और उसके बाद फिर जो 7-8% की जो गति पे बढ़ते आई है वो उस रफ्तार पे फिर आ जाएगी। और अगर उस रफ्तार पे हम आ जाते हैं, और जो हम लोगों का लॉन्ग टर्म यानी पिछले 10 साल अगर हम दशक को देखें, तो हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ग्रोथ रेट रहा है वो करीब 7% रहा है। अगर वही 7% हम लोग कायम कर लें, जो सबका अनुमान है, IMF का अनुमान है, वर्ल्ड बैंक का अनुमान है, सर्वे में भी कहा गया है, तो जो $5 ट्रिलियन की जो बात हम लोग करते हैं वो हम लोग अवश्य उसे हासिल कर लेंगे। तो इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है, दुरुस्त है, चाहे विश्व में कुछ भी हम लोगों को चुनौतियां झेलनी पड़े। अतुल जी, इतना आसान है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों देश को परेशान कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं आप देश को।
सब इतना आसान है, देखिए अब तुरंत बता दिया एकदम कैसे 5 से 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 पे सस्टेन कर लेंगे, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, सबने बोल दिया है 5 ट्रिलियन होने वाले हैं। इनके ख्वाब बड़े अच्छे हैं और बहुत अच्छे ख्वाब सचाते हैं। और जहां तक नारों का मामला है, सारी सरकारें आजादी के बाद नारे बनाने में फेल हो गई। आदरणीय प्रातः स्मरणीय 1008 श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे तो अजीब से, अजब अजब नारे, कहां से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप लाएंगे, कहां से अचीव करेंगे? आप कह रहे हैं 2024 में हम 4 करोड़ लोगों को काम देंगे, आप तो कह रहे थे हर साल 2 करोड़ लोगों को काम देंगे, आप 2020 की बात 30 की बात बता रहे हैं, 8 करोड़ लोगों को काम मिलेगा। अरे यहां लोग जो काम पर लगे हैं वो निकाले जा रहे हैं, सारे के सारे सरकारी क्षेत्रों के अंदर तनख्वाह नहीं है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा सिन्हा जी, पिछले महीने की तनख्वाह भारत के सैनिकों को नहीं मिली है। BSNL के लोग 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। आपने तो अर्थव्यवस्था की डगर जो है ऐसी पनघट की तरफ मोड़ दी है जहां पानी नहीं है, तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को कैसे लाएंगे? राज्य मांग रहे हैं GST में अपना हिस्सा, आप कह रहे हैं अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अब आप कह रहे हैं 4% हमारी इस महीने में बढ़ गई। ठीक है, एक इसका जवाब, इसके सारे अनुमान तो गलत हो रहे हैं। नहीं, देखिए आप कुछ आंकड़े ऐसे फेंक देते हैं, उससे एक भय का वातावरण बनाने की आप कोशिश में हैं, लेकिन जिन लोगों को तनख्वाह मिलनी है सरकार से, उनको अवश्य तनख्वाह मिलेगी। सरकार के पास पूरे इसके लिए साधन है और तनख्वाह उनको अवश्य मिलेगी। मैं भी वित्त मंत्रालय में रहा हूं, कहीं कहीं अगर अरियर्स होते हैं तो अरियर्स भी बिल्कुल दिए जाते हैं। और आज तक मैं आपको बता दूं कि आज तक भारत सरकार ने किसी को जो तनख्वाह उनको मिलनी है उसमें कभी उन्होंने गलती नहीं की है, सबको पूरी तनख्वाह मिली है। इसलिए इसका भय, इसका नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। इसलिए भय का वातावरण, ये अफवाहें मत आप चलाइए कि लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए नहीं होने वाला है। और जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, देखिए कुछ ना कुछ आप आंकड़े भले इधर उधर के आप ले सकते हैं, लेकिन हर आंकड़े का जवाब मैं दे सकता हूं। हमें देखना है कि आज के समय जो भरोसेमंद जो एजेंसीज हैं वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं, और जो आंकड़े हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिसको कहते हैं, जो बताते हैं कि आगे के समय, आप पीछे की बात कर रहे हैं, आगे के समय देखें क्या होने वाला है, वो आपको आंकड़े अब बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो थे जो 5% से गति से बढ़ रही थी, अब आगे 6-7% बढ़ने वाली है। जैन जी, क्योंकि आपने वैश्विक एजेंसीज का जिक्र किया है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे समिट में एक वैश्विक पटल पर गीता गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की, उन्होंने कहा कि 80% वर्ल्ड की इकोनॉमीज इस वक्त भारत की सुस्त अर्थव्यवस्था से प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये कहा एक फोरम पे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोगों की अर्थव्यवस्था की जो दर है, जो GDP ग्रोथ रेट, वो कम होगा, तो आज के समय हमारा देश एक इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश बन गया है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था की गति कम होती है तो पूरे विश्व की गति कम हो जाती है। वो तो स्वाभाविक है, ये तो सिंपल अरिथमेटिक है। लेकिन उन्हीं ने, गीता गोपीनाथ जी ने ही कहा कि अगले साल, जो मैं कह रहा हूँ फिर से एक बात दोहराऊंगा, कि अगले साल रफ्तार फिर बढ़ जाएगी और हम लोग 6% के आसपास आ जाएंगे। सुनील जी, क्या करें, मतलब क्या हम माने कि अच्छी हालत में अब हमें अर्थव्यवस्था में ऑल इज वेल करें, या समझें कि परेशानी से गुजर रहे हैं? परेशानी से डेफिनेटली गुजर रहे हैं, पूरी ये तो पूरा एक्सेप्टेड है, इंडस्ट्रियलिस्ट में भी, मार्केट में भी, सब जगह। लेकिन जो हमको सोचना है कि जब आप जुलाई में आए थे, जब बजट प्रेजेंट हुआ था, मैं आपके साथ ही था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप देखिए, आप पूरा सप्लाई साइड आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है, आपने जहां पे इंडस्ट्री को पैसे भी दे दिए, टैक्स भी कम कर दिए, ये भी, लेकिन आपने पूरा डिमांड साइड इग्नोर किया था, बिल्कुल जुलाई में जीरो किया था। इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा था, अब होप है मेरा कि क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री को देंगे तो जो इंडस्ट्री के पास पैसे हैं उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किए हैं, जो टैक्स बेनिफिट का है, मैं कहूंगा कि उन्होंने कम से कम सिर्फ 15% इन्वेस्टमेंट में डाला है, बाकी टू पे बैक द डेट जो बैंक्स को उन्होंने दे दिया है, एंड दे हैव नॉट टेकन 100% जो उनके पास है, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है। एक्चुअली जो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक का, फॉरेन कंपनीज को ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, वो आ रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बाहर जा रहे हैं देने के लिए, वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे हम लाएंगे वापस? वो डिमांड साइड 200-300 मिलियन जो मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, कह रहे मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये नंबर देखिए ना सर, अब तो जनता भी जब आती है कहती है कि अब आप लोग अपनी बहस जो पॉलिटिकल है उसको हटाइए, GDP दिखाइए। ये GDP की जो हम दिखा रहे हैं जोशी साहब, आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर,
वो तो आप देखिए 2014 से लेकर 19-20 सब हम आंकड़े दिखा रहे हैं, 7.4 से 8.2 फिर 7.2 और लगातार ये जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं, ये डिक्लाइन अभी और चिंताजनक। और इसमें अभी जब सिन्हा साहब ने जिक्र किया पीछे का और कहा कि 7% का एक ग्रोथ रेट होता था जिसके आसपास अगर हम पहुंच जाएं, जो मुझे एम्बिशियस टारगेट दिख रहा है, 6.5 तक तो अभी सर्वे कह रहा है और मुझे वो 6.5 भी उस पर शक हो रहा है कि वहाँ पहुँच कोई रोड मैप दिख रहा है उस जीडीपी तक। यही दिक्कत है कि ये सर्वे देख के इसमें आप ये इतिहास में कहाँ तक चला गया है समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना पीछे चला गया इसमें। और एक इसमें अदृश्य हाथ की चर्चा है, इनविजिबल हैंड है। दूसरा मार्केट और ट्रस्ट की बात, अच्छा देखने में अच्छा लग रहा है, तस्वीर बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन आप भारत में अगर परंपरागत तौर पे देखें तो मार्केट और डिस्ट्रस्ट का साथ रहा है हमेशा। ये अच्छी बात है कि सरकार मार्केट पर भरोसा करने की बात कह रही है, लेकिन ये $5 trillion का लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे या आप अगर 5% से 6.5% का ग्रोथ रेट आ रहा है, 6.5 मान लीजिए कि हो जाएगा, जबकि उसमें भी मुझे शक है क्योंकि ये बाद में रिवाइज होता है, हमेशा नीचे की तरफ ही रिवाइज होता है कोई भी सरकार रहे, वो इस सरकार का दोष नहीं है। तो आप 5 trillion कैसे पहुंच जाएंगे और नहीं पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे, इस सवाल का जवाब इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया गया है। ठीक है, पूछे जाने पर भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने उसका जवाब नहीं दिया।